यूरोपीय संघ के 28 सांसदों ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर मंगलवार को घाटी में मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस ने इस दौरे का विरोध करते हुए मोदी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के दौरे पर जाने के लिए यूरोप के सांसदों का स्वागत किया जाता है, जबकि भारतीय सांसदों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसमें बहुत कुछ गलत है। उनको बधाई थी, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा, आज यूरोपियन यूनियन जा रही है। मुझे यूरोपियन यूनियन के लीडरों के जाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस पर कि अपने देश के एमपीज को जम्मू कश्मीर में तो जाने नहीं दिया। मैं स्वयं खुद ये कानून बनने के बाद, 5 अगस्त का कानून बनने के बाद, एक हफ्ते के बाद जब मैंने कोशिश की श्रीनगर जाने की, तो 5 घंटे एयरपोर्ट पे रहने के बावजूद भी हमें वहीं से वापस भेजा गया। उसके बाद मैंने जम्मू एक हफ्ते की कोशिश की, जम्मू में भी 4 घंटे एयरपोर्ट पर हमको रोका गया, बाहर भी नहीं निकलने दिया, वहीं से वो वापस भेजा गया। चौथी दफा हमने एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन श्री राहुल गांधी की लीडरशिप, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, दूसरी राजनीतिक दलों के नेता, तकरीबन 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज और लीडर्स, हम लोग श्रीनगर पहुंचे। उस दिन भी 4 घंटे के बाद हमको श्रीनगर से ही वापस भेजा गया। ये तो चौथी दफा मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और चौथी दफा के बाद सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से मैं जम्मू कश्मीर, और वो भी चंद जगहों, और जिन जगहों पे मैं गया वहां भी 90% लोगों को दरवाजे से ही पुलिस वापस भेजती, दरवाजे पे कैमरे लगे थे, उनका एड्रेस पूछा जाता था, जगह पूछा जाता था, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो फिर तुम ध्यान रखना। ये रवैया है। जम्मू कश्मीर के 3 चीफ मिनिस्टरों को पिंजरे में बंद रखा, जम्मू कश्मीर के 4th चीफ मिनिस्टर को दिल्ली में रखा, और यूरोपियन यूनियन को वहां से लेकर कश्मीर दे ले रहे हो। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की कैबिनेट हो, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट हो, गुलाम नबी की कैबिनेट हो, महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट के मंत्री हो, उनको जेलों में रखा, उनके पार्टी के लीडर को जेलों में रखा, हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों के एमपीज को, लीडरों को कश्मीर में नहीं जाने देते, और यूरोपियन यूनियन को लेके जा रहे हैं। ये कंडक्टेड टूर है। ये हम भी जब विदेश जाते हैं या कोई बाहर से आगरा आता है तो एक वो होता है कंडक्टेड टूर, वो दिखाता है यहाँ ये है, यहाँ ये है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।